क्या रॉटवेलर फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सही होते हैं, क्या रॉटवेलर अग्रेसिव होते हैं और क्या रॉटवेलर को छोटे बच्चों के साथ रख सकते हैं। अगर ये सभी चीजें जाननी है तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काफी सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आप लोगों को जरा भी बोरियत फील नहीं होगी अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक भी देखते हैं तो, क्योंकि भाई जब वीडियोस में क्वालिटी आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिले ना तो मन वैसे भी करता है कि यार चल थोड़ी सी वीडियो और देख लेते हैं, क्योंकि भाई उसके हिसाब से आप लोगों को क्वालिटी भी जज कर पाओगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए अगर आप लोग रॉटवेलर को परचेज करते हो तो। भाई सबसे पहले लोग वीडियोस में देखते हैं क्वालिटी, अगर क्वालिटी उनको पसंद आई तो लोग वीडियोस को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी तक वीडियो भी है ना तो डेफिनेटली आप लोगों को इन पपीज की क्वालिटी भी पसंद आएगी एंड साथ में इनका प्राइस भी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पपीज जो है ना ये कैसे रजिस्टर्ड है। एंड ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है। भाई क्वालिटी देखिए, फीमेल की बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड जो इस फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर ना वो तो लाजवाब है, और फीमेल का साइज भी भाई मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, तो फीमेल को कह सकते हो कि किंग साइज में है। वैसे डोंट वरी, फादर की क्वालिटी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वो आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वैसे तो रॉटवेलर में देखने लायक काफी चीजें होती हैं। भाई एक तो इनका हेड साइज जो होता है ना वो काफी ब्रॉड होता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत ही तगड़ा होता है, काफी मस्कुलर दिखता है। लेकिन इस ब्रीड का जो सारा खेल होता है ना वो होता है इनके मसल के ऊपर, जैसा कि आप लोग इन पपीज का देख रहे हैं। भाई कितना हैवी मसल है और बिल्कुल पंच फेस है, तो यही चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है एंड मोस्टली लोग पंच फेस वाले रॉटवेलर को परचेज करना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से एक हैं तो पपीज आप लोगों के सामने है। और वैसे भी गाइस उन्होंने इन पपीज के जो पेपर्स हैं जो केसीए पेपर्स हैं वो अप्लाई कर दिए, तो जब पपीज को परचेज करोगे उसके बाद में जब इनके पेपर्स आ जाएंगे ना तो वो आप लोगों के एड्रेस पर सेंड कर दिए जाएंगे। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि फादर क्वालिटी देखने के बाद आप लोग रुकी नहीं पाओगे इन पपीज को परचेज करने से। तो ये देखे गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है यार इन पपीज के फादर, क्वालिटी देखे भाई बहुत लाजवाब है। और भाई यही वो क्वालिटी होती है जिसे लोग एक बार देखे और देखते ही रह जाए, क्योंकि भाई इस टाइप के रॉटवेलर काफी कम देखने को मिलते हैं। तो गाइस अगर बात करें फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए कि भाई क्या रॉटवेलर फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सही होते हैं, भाई डेफिनेटली आप लोग बेफिक्र होकर इस ब्रीड को परचेज कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इस ब्रीड के साथ स्पेंड करने के लिए, इन्हें सोशलाइज और ट्रेन करने के लिए, क्योंकि भाई ये काफी अच्छी गार्ड डॉग ब्रीड है। तो भाई इन्हें अर्ली एज से ये चीज जरूर बताएं कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत। तो गार्डिंग वाली एबिलिटीज इनमें नेचुरली होती है, बस आप लोगों को ये समझाना कि बेवजह ये कभी किसी के ऊपर अटैक ना करे। तो घर पे अगर छोटे बच्चे हैं या फिर एज लोग रहते हैं तो भाई उन लोगों को इस ब्रीड से कोई खतरा नहीं अगर आप लोग इन्हें पपीहुड में ही परचेज करते हो। वैसे अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये एग्जैक्ट आज 36 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है मेहरौली दिल्ली NCR से। तो अगर बात करें डिलीवरी को लेकर तो भाई डिलीवरी में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग पॉसिबल है तो डायरेक्ट आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग डायरेक्ट आकर परचेज कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग डिलीवरी चाहते हैं तो वो भी ओनर प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर, वो कितना होगा ये डिपेंड करता है आप लोगों की लोकेशन के ऊपर। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में केसीए रजिस्टर्ड है, लेकिन जो ब्लड लाइन है ना उसके बारे में आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस करें वो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 25,000 पीस 25,000 रुपए एंड फीमेल की 17,500 पीस यानी 17,500 रुपए। एंड ये जो प्राइस है ये विद पेपर्स है, तो मुझे नहीं पता कि ओनर आप लोग को विदाउट पेपर्स पपीज प्रोवाइड कराएंगे या फिर नहीं, तो इस बारे में भी आप लोग जरूर पूछ लें। वैसे वीडियो पसंद आए ना तो यार वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।